अगर तो बच्चे स्पेसिफाई आपको पूछा जाता है कि अकाउंटेबल लेजिटिमेट रिस्पॉन्सिव का मीनिंग, तो हमने इनका मीनिंग साथ में बताना, ठीक है। अगर सपोज है स्टेटमेंट है कि हाउ यू कैन से दैट डेमोक्रेटिक प्रमोट्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल और हाउ इट अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा, ठीक है। इसमें हमने मेन मीनिंग क्लियर करना है हर वर्ड का, लेकिन ये जो है इसमें चाहे वो डिग्निटी, मतलब डिग्निटी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे देती है डेमोक्रेसी इंडिविजुअल, या फिर डेमोक्रेसी जो कंट्री में डाइवर्सिटीज होती है उनको कैसे अकोमोडेट करती है, तो पॉइंट्स हमने कॉमन ही देने, दोनों में पॉइंट्स कॉमन ही आएंगे, ठीक है। या फिर सपोज अगर आपसे ये पूछा जाता है व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन इट्स अल्टरनेट, तो ये सारे ही आ गए। सपोज अगर ये क्वेश्चन है व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन इट्स अल्टरनेट, तो आपने बताना है डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल लेजिटिमेट एंड रिस्पॉन्सिव, इट प्रमोट डिग्निटी एंड फ्रीडम टू इंडिविजुअल, इट अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज एंड इसके अलावा भी नंबर ऑफ फीचर्स, कोई भी आप अलग एक्स्ट्रा फीचर्स जो है वो बता सकते हो जो हमने डिस्कस किए हुए, इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, ठीक है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स इक्वलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम कंबाइन करके बता सकते हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट अलग से है आपने रेकोगनाइज करना, अगर ये स्टेटमेंट अलग से है तो हमने इनके मीनिंग क्लियर करने हैं पहले कि अकाउंटेबल का मीनिंग क्या होता है, लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सपोज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल आता है या आता है अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज, तो एक जैसे ही पॉइंट्स, मतलब हमने मेन डेमोक्रेसी के पॉइंट्स फीचर्स ही बताने हैं, हमने पॉजिटिव फीचर्स ही इसमें बताने हैं, क्लियर। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटेबल, अकाउंटेबल वर्ड जो है बेटा, अकाउंटेबल वर्ड कहने को तो सिंपल इसका मतलब क्या होता है, आंसरेबल, मींस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है दैट इज आंसरेबल। आंसरेबल का मतलब क्या होता है, दे हैव टू जस्टिफाई देयर एक्शंस, कुछ भी वो करते हैं हमको जस्टिफाई करना पड़ता है डेमोक्रेटिक। लाइक अगर हम कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट आंसरेबल है, गवर्नमेंट कुछ भी करती है, कोई भी बिल पास करती है, कोई भी लॉ पास करती है, कोई भी पॉलिसी बनाती है, कुछ भी करती है, उनको अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना पड़ता है। जस्टिफाई का मतलब होता है उनको अपने हर एक्शन के लिए आंसर देना पड़ता। अब ये आपने देखा होगा कि 9th क्लास में मैंने आपको करवाया था दैट क्वेश्चन आर, क्वेश्चन आर का मतलब होता है जिसमें MPs दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द मिनिस्टर्स, क्वेश्चन आर होता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के द्वारा उनको रिमूव भी किया जा सकता है इफ दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। इवन सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू पास करके गवर्नमेंट को उनके लॉ जो है उनको रिव्यू करने के लिए कह सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो डिक्टेटर होती है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, अकाउंटेबल, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, आंसरेबल होती है, दे हैव टू जस्टिफाई देयर एक्शंस, उनको अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना पड़ता है। रीजन क्या होता है, बिकॉज इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हमने ये बताना है, एक्सप्लेन करना है इसको कि इलेक्शंस में पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स दे आर आंसरेबल टू द पीपल, दे मेक लॉज, पॉजिटिव लॉज एंड दे फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर द पीपल इफ दे आर नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू, इफ दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ पीपल, देन पीपल दे हैव अ राइट टू चेंज देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन, सो दैट मेक्स गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है जो कि डिक्टेटर, मोनार्की या दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता, इसको कहते हैं अकाउंटेबल, आंसरेबल, क्लियर। आगे आ जाओ, सेकेंड है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव वर्ड रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड करना किसको रिस्पॉन्ड करना, टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ये रिस्पॉन्ड करती है, पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करती है टू द नीड्स ऑफ पीपल, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, तीन वर्ड याद रख लो, नीड्स ऑफ द पीपल, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, लोग क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उनकी एस्पिरेशंस है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उनको रिस्पॉन्ड करती है, उनको फुलफिल करती है, ठीक है। द गवर्नमेंट टेक दोज डिसीजंस विच आर एक्सेप्टेबल टू द पीपल, गवर्नमेंट वो डिसीजन लेती है जो लोगों को एक्सेप्टेबल होते हैं। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल बताया था आपको, थ्री फार्म्स बिल,
अगर गवर्नमेंट को ये लगा कि थ्री फार्म्स बिल पास हो गया, बाद में मूवमेंट्स चलाई गई, फार्मर्स ने उसको अपोज किया, तो उसके बाद अब गवर्नमेंट ने उसको रिपील कर दिया, चेंज कर दिया, खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को जो लोग चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, वो भी पॉजिटिवली, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो नेक्स्ट इलेक्शंस में उसको वोट नहीं मिलेंगे। और हर गवर्नमेंट में हर पार्टी का मेन एजेंडा क्या होता है, लोगों को सेटिस्फाई करना। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है दैट इज मोर रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्ड करना, इस चीज को रिस्पॉन्ड करना मतलब लोग जो चाहते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी नीड्स को फुलफिल करना, वो जो चाहते हैं उनकी एस्पिरेशंस को पूरा करना, ताकि उनके अकॉर्डिंग लॉज बनाए जा सके, ठीक है। अंडर दिस व्हेनेवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजंस कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग आल्सो, यानी कि इसमें क्या होता है, लोग खुद भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं बाय मूवमेंट्स, रैलीज, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, ऑल इंडिया बंद, ठीक है। गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, लोगों ने ऑल इंडिया बंद, आप देखोगे कितनी बार जो है वो बंद का ऐलान होता है, लोग ऑल इंडिया बंद, स्ट्राइक कर देते हैं, पेन डाउन स्ट्राइक कर देते हैं, काम नहीं होता डिपार्टमेंट्स में। इसका मतलब क्या है, दे आर पार्टिसिपेटिंग एंड दे आर शोइंग देयर एग्रेशन, और ये सिर्फ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही हो सकता है। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना मतलब जो लोग चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को उनके साथ नेगोशिएशन करनी पड़ेंगी, बातचीत करनी पड़ेगी, और किसी ना किसी तरह से जो लोग चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको, उनके डिमांड्स को पूरा किया जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल देन एनी अदर फॉर्म, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर रिस्पॉन्सिव देन एनी अदर फॉर्म, देन थर्ड इज लेजिटिमेट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिटिमेट, लेजी वर्ड यहाँ पे है तो लॉ, लेजिटिमेट मीन्स यहाँ पे याद रखना अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो काम करती है अकॉर्डिंग टू लॉ करती है, लॉ मीन्स जो सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं उनके अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। दिस वर्क अकॉर्डिंग टू द रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उनको नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, बिल पास करना है तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ऐसे नहीं वो कोई भी बिल पास हो जाता। जैसे मैंने आपको बताया कि बिल पास करने के लिए अलग अलग रीडिंग्स होती हैं, पहले बिल फर्स्ट हाउस में जाता है, फिर सेकंड हाउस में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो टेक्निकल और हर एक का एक प्रोसेस होता है जो गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट फॉलो नहीं करेगी तो उसके ऊपर अलग अलग चेक्स हैं, चेक्स एंड बैलेंस आपने सुना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट भी चेक करता है, या फिर अलग अलग उसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर भी नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, तो आए दिन गवर्नमेंट को कितने ही जो है वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और ये चैलेंजेस फेस करने के लिए उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। और आपने क्या बताना है इसमें, एक और इसमें वर्ड आप बताओगे, ट्रांसपेरेंसी, ये आपने लेजिटिमेट में ही एक्सप्लेन करना है, लेजिटिमेट में एक्सप्लेन करोगे ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट है, डिक्टेटर नहीं थी जैसे हिटलर के टाइम पीरियड में, या मोनार्की के टाइम पीरियड में, या फिर लुई 16 के टाइम पीरियड में, उनकी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं थी, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है। सिटीजन्स आर फ्री टू नो बट वट एवर डिसीजंस आर टेकन बाय द डिपार्टमेंट दे शुड हैव अ नॉलेज, यानी कि सिटीजन्स जो है वो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आपको याद होगा कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को क्या दिया हुआ है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसमें ये जो एक्ट है इट एम्पावर्स पीपल, ये क्या करता है हमारी कंट्री के लोगों को एम्पावर, यानी कि पावर देता है टू फाइंड हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग, गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि सिटीजन्स दे हैव राइट टू इंफॉर्मेशन टू नो अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट के प्रोसीजर्स के रिकॉर्डिंग, वो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सिटीजन्स आर फ्री टू नो इफ अ डिसीजन वॉज टेकन थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर, यानी कि गवर्नमेंट किस प्रोसीजर से डिसीजन ले रही है, दिस इज नोन एज अ ट्रांसपेरेंसी। और इसके लिए गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोवाइड किया गया है, राइट टू RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, विच एम्पावर्स द पीपल टू नो अबाउट द प्रोसीजर, जो कि लोगों को ये राइट देता है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट के प्रोसीजर में उनकी वर्किंग के बारे में नॉलेज जो है वो ले सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के जो एक्शंस, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं वो लोगों के सामने रिवील करने पड़ते हैं, रिवील करने का मतलब है कि उनको प्रॉपर जो है वो लोगों को बताना पड़ता है।
अगर वो नहीं बताएंगे तो अल्टीमेटली लोग उन पर फेथ नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस खो देंगे और अल्टीमेटली इलेक्शंस में उनको सीट्स या वोट्स नहीं मिलेंगे। तो अल्टीमेटली हर गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, इलेक्शंस में लोगों को उनका वोट बैंक अट्रैक्ट करना, और जिसके लिए वो लोगों को हर तरह से सेटिस्फाई करते हैं। दे आर आंसरेबल, दे रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू द रिटन सेट एंड यू कैन से रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड ड्यू टू दिस दे प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो, एंड गवर्नमेंट इन इंडिया दे हैव गिवन आवर सिटीजंस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, so that citizens they can seek any kind of information regarding any department or any government procedure. Yeah, so that was all about this accountable, responsive and legitimate. ये words clear होने चाहिए। अब next है statement based question. Statement based question में क्या होता है, how you can say that democracy promotes dignity. Dignity का मतलब होता है self respect and freedom of individual. ये सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल सिर्फ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही होता है, ये डिक्टेटरशिप में या किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अल्टरनेटिव्स में नहीं होता, ठीक है। या फिर हाउ डेमोक्रेटिक अकोमोडेट्स, अकोमोडेट्स का मतलब जैसे अकोमोडेट, अकोमोडेशन पाथ आपको याद होगा आपने श्रीलंका में किया था, अकोमोडेट करना गवर्नमेंट ने कैसे, वहां पे बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कैसे अकोमोडेट किया, लेकिन श्रीलंका में उन्होंने मेजोरिटेरियज्म पाथ अडॉप्ट किया, ठीक है। अकोमोडेट का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम्स को कैसे अकोमोडेट करना, सॉल्व करना, किसको सॉल्व करना, सोशल डाइवर्सिटीज जो सोशल इनइक्वालिटीज होती, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमने पहले, सबसे पहले इसके अलग अलग पॉइंट्स बताने हैं जिसमें हमने हर पॉइंट को जस्टिफाई करना है। सोशल डाइवर्सिटीज, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग डाइवर्सिटीज हैं, मैन वुमेन हो गए, रिच पुअर हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है। डिग्निटी बताना है, सेल्फ रिस्पेक्ट बताना है, राइट्स बताना है, लोगों को क्या क्या मिला है, तो हमने सारे पॉइंट्स जो है वो कंबाइन फॉर्म में बताने हैं कि इनका जो है वो डेमोक्रेसी में इन सब पॉइंट्स जो हैं उनका, उनके होने का क्या मतलब है, क्योंकि तो अगर ये नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली कंट्री में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके कारण हम ये कह सकते हैं कि कंट्री में डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और जो सिटीजन्स हैं उनको प्रॉपर जो है वो रिकॉग्निशन दी जाती है, सोशल डाइवर्सिटीज जो है उनको प्रॉपर अकोमोडेट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स कॉमन है, कॉमन दोनों में आप इसको यूज कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आए तो आंसर्स के पॉइंट्स कॉमन ही रहेंगे आपके, ठीक है। सो नंबर वन, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज बिकॉज, नंबर वन सबसे पहले आपको ये बताना है कि ओनली इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स, लोगों को राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या दिया जाता है वो हमने इसमें बताना, ठीक है। ओनली इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल दे आर गिवन ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स मतलब, अब इसमें नंबर ऑफ, हमने सारे यानी कि जितने भी राइट्स लोगों को मिलते हैं ना वो हमने इसमें क्लासिफाई कर दिए, अलग अलग तरह के राइट्स, वोटिंग राइट्स, ठीक है। आपने अपने आप एक लाइन बना लेनी है, ये एटलीस्ट आपने पैराग्राफ 2-3 लाइन्स में एक्सप्लेन करोगे दैट इन डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल हैव बीन गिवन राइट टू वोट, वेरियस काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स हैव बीन गिवन। राइट्स जो होते हैं वो लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। राइट्स का देना सोसाइटी में लोगों को प्रोटेक्शन देना होता है, तो हमारी कंट्री में या किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों को नंबर ऑफ राइट्स मिलते हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं, कुछ पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, कुछ इकोनॉमिक राइट्स होते हैं। पॉलिटिकल राइट्स का कोई एक एग्जांपल बता दो, राइट टू वोट, राइट टू वोट सिर्फ डेमोक्रेसी में है, ठीक है, और किसी में नहीं। देन फिर बता दो फंडामेंटल राइट्स, पीपल दे आर गिवन फंडामेंटल राइट्स, दे आर जस्टिशिएबल, अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो दे कैन सीक, यू कैन से हेल्प फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है, ये बता सकते हो आप, कोई कुछ भी बता सकते हो। देन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट्स में से नंबर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। जब ये सभी चीजें सिटीजन्स को मिलेंगे ना तो अपने आप उनकी डिग्निटी, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट, उनको पता लगेगा कि हमारी भी सोसाइटी में वैल्यू है, हमारी भी इम्पोर्टेंस है। फ्रीडम, कुछ फ्रीडम उनको दी जाती है, राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो दोनों ही तरह से मिक्स करके हमने ये पॉइंट बताना है। अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, राइट सबको बराबर दिए जाते हैं, जब सबको बराबर मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिटीज नहीं होंगी, ठीक है। और किसी भी तरह से जो लोगों के बीच में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट्स हैं, या अलग अलग ग्रुप्स के बीच में कोई भी लड़ाई चल रहा है, सबसे पहले तो यहीं पे ही खत्म हो जाएगा जब सबको इक्वल यानी कि एक जैसे राइट्स मिलेंगे, राइट टू वोट मिलेगा,
पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, देन फंडामेंटल राइट्स, देन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारे जितने भी राइट्स हैं या जो भी लोगों को राइट्स मिलते हैं वो आपने इस कैटेगरी में बता देना है, और दोनों ही इसको सेटिस्फाई करता है। डिग्निटी भी मेंटेन होती है, इंडिविजुअल की फ्रीडम वो भी गारंटी उनको गवर्नमेंट देती है, और सोशल डाइवर्सिटीज का मतलब होता है यहीं से ही, जब सबको बराबर के राइट्स मिलेंगे तो सोशल डाइवर्सिटीज जो है वो अकोमोडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने बताना है राइट्स के बारे में। देन सेकेंड बताना है रिजर्वेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट। अब हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने ये बताना है कि इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सम सीट्स हैव बीन रिजर्व इन पार्लियामेंट। इसमें आप पर्टिकुलर बता दोगे एससी एसटी ओबीसी, ठीक है। जब हमने इसको क्लासिफाई कर दिया तो हमने दोनों ही, यानी कि डिग्निटी, इनकी डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन हुई, इनको भी पार्लियामेंट यानी कि लॉ मेकिंग लेजिस्लेशन में पूरा जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इनकी भी फ्रीडम यानी कि इन लोगों की जो फ्रीडम, जो कि सबसे पहले हमारी कंट्री में कास्ट सिस्टम, लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में जो डिफ्रेंसिएशन होती थी, अनटचेबिलिटी, ठीक है, वो होता था, उसको खत्म कर दिया इसके कारण, ताकि ये लोग भी बराबरी में बैठकर लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, जो पहले नहीं होता था, मोनार्की वगैरह में नहीं पॉसिबल हो सकता था, ठीक है वहां पे। एंड सोशल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब इसमें से भी कुछ ऐसे डाइवर्स ग्रुप्स हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप है, जिनको पहले कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अपॉर्चुनिटी दी है, ताकि वो भी सबके साथ मिलकर बैठकर लॉ मेकिंग लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट कर, ठीक है। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट, सीट्स, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एसटी एंड अदर बैकवर्ड्स क्लासेस, सो दैट दे कैन कम फॉरवर्ड एंड उनको भी अपनी इंपॉर्टेंस पता लगे सोसाइटी में। सोशल डाइवर्सिटीज, जो भी उनके साथ एक्सप्लॉटेशन हुआ है, जो भी उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया गया, तो वो सारा जो है उसको अब क्या कर दिया गया है, दूर कर दिया गया, ठीक है। तो दैट इज पॉसिबल इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट। उनको भी लेजिस्लेशन में आगे आने का मौका मिला है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर में वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये डिग्निटी मेंटेन करता है, इनको भी सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है, इनको भी पता लगता है सोसाइटी में ये भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं, इनको भी पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं, लीगल राइट्स इनको मिले हैं, ठीक है। देन थर्ड है डिग्निटी, इसी में से वर्ड हमने लिया है डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, या डिग्निटी टू वुमेन, प्रमोट्स डिग्निटी एंड फ्रीडम टू वुमेन। अब ये जो पॉइंट है दोनों ही कवर करता है, डिग्निटी, ठीक है, वुमेन को डिग्निटी मिली है, फ्रीडम मिली है, देन अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी, मैन और वुमेन, हमेशा से ही सोसाइटी में पैट्रियार्की, मैन का कंट्रोल ज्यादा रहा। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं, चाहे यूएसए है, यूके है, इंडिया, इसके अलावा जितनी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए वुमेन को बहुत लंबा वेट करना पड़ा। आपने फ्रांस का भी पढ़ा है, आपने अलग अलग कंट्रीज का पढ़ा है कि जिसमें वुमेन को बहुत लंबा वेट करना पड़ा राइट टू वोट के लिए, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, दैट प्रोवाइड्स डिग्निटी एंड फ्रीडम टू वुमेन, उनको प्रॉपर लीगल राइट्स, इक्वल लीगल राइट्स दिए गए हैं एज कंपेयर टू मैन। लीगल राइट मतलब प्रॉपर्टी, 2005 सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, प्रॉपर्टी में इक्वल राइट दिया गया है। पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं उनको, आज की जो वुमेन है हर फील्ड में आगे, राइट टू वोट है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इंपॉर्टेंट पोस्ट, जितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं उसमें वुमेन है, वो भी आगे आ रही, ठीक है। तो लेकिन कुछ कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, जहां पे डेमोक्रेसी नहीं होती वहां पे वुमेन आगे नहीं आ पाती हैं, उनको लीगल राइट्स नहीं मिलते, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं, इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट कर सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की इंपॉर्टेंट सीट्स को होल्ड नहीं कर सकती हैं। लेकिन हमारी कंट्री जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे क्या है, डिग्निटी मेंटेन की जाती है वुमेन को, और दोनों ही तरफ से, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट वुमेन को दी गई, फ्रीडम दी गई है, और अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है जो डाइवर्स, यानी कि मैन और वुमेन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको कवर अप किया गया है, सिर्फ डेमोक्रेसी ही अकोमोडेट करती है बाय प्रोवाइडिंग देम इक्वालिटी इन द सोसाइटी, इक्वल ट्रीटमेंट उनके साथ की जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, हमने वो पॉइंट्स लेने हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं, इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज इन एनी सेंस, किसी भी सेंस में, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स है, चाहे कोई भी किसी भी तरह से अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इक्वल स्टेटस अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है, हम इसमें वो भी ले सकते हैं, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज हैव बीन रिमूव्ड, ये सिर्फ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही हुआ है कि हमारे पास हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें सबको इक्वल स्टेटस दिया गया है, ऑल आर इक्वल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन के बेसिस के ऊपर किसी भी पर्सन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंसेस जो है वो नहीं होते, ठीक है। यही प्रूव करता है कि इससे क्या होगा, जब सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो डिग्निटी मेंटेन होगी, कोई अपने आप को कम नहीं समझेगा, लोअर नहीं समझेगा, फ्रीडम मेंटेन की जाएगी उनकी। और सोशल डाइवर्सिटीज का मतलब होता है जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज होती हैं, कई कंट्रीज में जो जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, ठीक है, वहां पे किस तरह से कम्युनिटीज अलग अलग, जैसे हिटलर की बात करें तो कैसे कम्युनिटीज को अलग रखा गया, कैसे उनको जो है वो अनडिजायरेबल बना दिया गया, ठीक है। या फिर कई कंट्रीज में सेकुलरिज्म नहीं होता, वहां पे सिर्फ एक ही रिलीजन को प्रमोट किया जाता है। कई कंट्रीज में क्या होता है, बॉर्न सिटीजन उनको ही वैल्यू दी जाती है, वोट की वैल्यू सिंगल या डबल जो होती है, लेकिन हमारी कंट्री में या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। इक्वल स्टेटस, ऑल आर इक्वल, ठीक है, कोई भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, कोई भी पर्सन हो, अपॉर्चुनिटीज आर इक्वल, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटी या गवर्नमेंट जॉब्स होती है वो सबके लिए बराबर होती है, किसी का कोई डिफरेंस नहीं होता। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज रिमूव कर दी गई, ठीक है। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज रिमूव करना का मतलब क्या होता है, सबको फ्रीडम दी गई है, रिस्पेक्ट, अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दी गई है, ठीक है, जिससे क्या होगा, कोई भी पर्सन अपनी अपनी कास्ट या अपनी कम्युनिटी को लोअर नहीं मानेगा, ठीक है, और ऑल विल कंसिडर देमसेल्फ इक्वल, और इससे क्या होगा, अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने ये सारी इनइक्वालिटीज को खत्म कर दिया गया है। और अगर कोई भी पर्सन अगर ऐसा करता है, अगर अनटचेबिलिटी किसी भी सेंस में अगर आज भी है तो ये पनिशेबल माना जाता है। इसका मतलब है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सोशल डाइवर्सिटीज को ज्यादा अच्छी तरह से सॉल्व करती है, अकोमोडेट करती है, बाय प्रोवाइडिंग ऑल इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल एंड बाय रिमूविंग कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी, ठीक है। तो ये क्या होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही फ्रीडम लोगों को ज्यादा मिलेगी। इसके बाद हर कंट्री में एक कंसेप्ट होता है, जैसे श्रीलंका में आपने पढ़ा था मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी reduces tension between majority and minority. Majority जिनका number of population ज्यादा होता है, minority जिनका number of population कम होता है, ठीक है। सिर्फ democratic government जो होती है वो ही reduce कर सकती है। कैसे, जैसे हमारी कंट्री में देखा जाए मल्टी पार्टी सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, मल्टी पार्टी सिस्टम में कितनी ही पार्टीज हैं, 7-8 पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पार्टीज हो गई, बाकी मोर देन 600-700 स्टेट पार्टीज आर देयर, कितनी ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यानी कि इतनी पार्टीज हैं जिसमें हर रिलीजन, लैंग्वेज, हर तरह के जो लोग हैं वो दे आर फ्री टू मेक पॉलिटिकल पार्टीज, मेजोरिटी माइनॉरिटी। और जब गवर्नमेंट बनती है, जैसे सपोज लोकसभा के इलेक्शन जब होते हैं, जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, तो ये अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो उसमें जैसे आप देखोगे कि फ्रेंच, आपने बेल्जियम का पढ़ा था जिसमें डच और फ्रेंच के बीच में जो प्रॉब्लम थी उनको अकोमोडेट कर लिया गया, लेकिन श्रीलंका में सिंहालाज और तमिल्स के बीच में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री या फिर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सोशल डाइवर्सिटी में आ गया, मेजोरिटी और माइनॉरिटी भी आ गया। डाइवर्सिटी मतलब मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में जो टेंशन होती है उसको ज्यादा अच्छी तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं इनको सॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। एंड लेकिन जिन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप होती है, जिन कंट्रीज में मोनार्की सिस्टम होती है, वहां पे मेजोरिटी ओवर रूल करती है, माइनॉरिटी उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है।
जैसे जार निकोला सेकेंड ने नॉन क्रिश्चियंस या जितने भी मतलब वो ऐसे नॉन रशियंस हैं उनको राइट्स नहीं दिए, ठीक है। तो ऐसा उन कंट्रीज में होता है जिन कंट्रीज में मेनली सेकुलरिज्म नहीं होता, लेकिन जिस कंट्री में सेकुलरिज्म होता है उन कंट्रीज में दोनों ही अलग अलग तरह के रिलीजन जो है उनको प्रॉपर अकोमोडेट कर लिया जाता है, तो ताकि मेजोरिटी माइनॉरिटी को ओवर रूल ना करे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारी कंट्री में अगर लैंग्वेज से कोई माइनॉरिटी है तो हमारी कंट्री ने बेस्ट मेथड क्या लिया, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इसके अलावा कितनी लैंग्वेजेस, टोटल लैंग्वेजेस 21+1, 21+1 टोटल होगी 22 लैंग्वेज पॉलिसी। अब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग किसी भी तरह से कोई भी फोर्स या कंपल्शन नहीं, पीपल आर फ्री टू ऑप्ट देयर मदर टंग देयर लैंग्वेजेस आल्सो, ठीक है। तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, बाकी जितनी ही लैंग्वेजेस हैं उनको शेड्यूल लैंग्वेजेस जो है बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको रिकॉग्निशन दी। और देख लो मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है, अलग अलग पार्टीज को रिकॉग्निशन दी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। थर्ड, और देख लो आप कि हमारी कंट्री में सेंटर और स्टेट, स्टेट को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है लोकल लेवल, ताकि लोकल लेवल के ऊपर पार्टिसिपेशन हो, काउंसलर्स हो, पंच हो, सरपंच हो, ताकि हर पर्सन कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन में, पावर मेकिंग में उसके पास हाथ में पावर हो और वो पर्सन अपने आप को सोसाइटी में नेग्लेक्टेड फील ना कर। तो दोनों ही इसको सेटिस्फाई करते हैं, डिग्निटी। अगर माइनॉरिटीज जो हैं उनको प्रॉपर इक्वालिटी मिलेगी, उनको लगेगा कि गवर्नमेंट उनकी सुन रही है, तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन होगी, फ्रीडम, उनकी फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, वो भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, वो भी अपोज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको वो सॉल्व करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कंट्री में हमें जितनी भी मतलब जो हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी पॉजिटिव फीचर्स हैं वो हमने इसमें बताने हैं, दोनों को कंबाइन कर, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा हमने पॉजिटिव बताना, ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, ह्यूमन राइट्स, रिजर्वेशन, डिग्निटी एंड फ्रीडम टू वुमेन, इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल हैव बीन गिवन बाय द सोसाइटी, रिस्पेक्ट टू ऑल, ठीक है। देन मेजोरिटी एंड माइनॉरिटीज के बीच में जो रिड्यूस कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता है। ये है स्टेटमेंट बेस जिसमें आपने डेमोक्रेसी के फीचर्स बताने हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, एक स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी भी आती है जिसको पढ़ने से आपको ये पता लगेगा कि इसमें हमने प्रेज नहीं बताना। अब जस्ट मैं आप एग्जाम्पल लिख रही हूं, तो अब मुझे एग्जाम्पल में बताना कि इसमें हम क्या लिखेंगे, क्या ये सारे पॉइंट्स मैं इसमें कवर कर सकती हूँ। अब ये जो स्टेटमेंट है आपके चैप्टर में से किसी भी पैराग्राफ से एक लाइन ली गई, एक लाइन है ये, एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ में सारे ये पॉइंट्स कवर करते हैं, तो आपको कोई भी एक लाइन आ सकती है, लाइक जस्टिफाई करना आपने, डेमोक्रेसी डू नॉट अपियर टू बी सक्सेसफुल, डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अभी मैंने आपको डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा प्रेज की है, पॉजिटिव बताया, मेरिट्स बताई, हमने सारे एक काइंड ऑफ मेरिट से डिस्कस की, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है, सपोज इसको कहा गया है कि आपने जस्टिफाई करना है, ऐसी कोई भी लाइन आ सकती है, जस्ट एग्जाम्पल है, तो लाइन, अब लाइन को पढ़ के ही अब आपने इसमें बताना है कि इज इट डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर, उन्होंने क्वेश्चन में ही नॉट कर दिया है, तो वो चाहते क्या है आपसे कि आपने नेगेटिव बताना है, डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। यस, रेज योर हैंड, इसमें क्या बताओगे आप, क्या जो मैंने सारे ऊपर पॉइंट्स बताए हैं वो इसमें लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे तो क्या सही होगा या रॉन्ग होगा, एनी स्टूडेंट रेज योर हैंड। तो इनडायरेक्टली हमने इसमें क्या बताना है, यस रेज योर हैंड, यस अर्शीन, हाँ जी बताओ, यस मैम, आई थिंक जैसे मैम इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट में वो हमें डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स एक्चुअली वो वेरी पूछ गुड, रहे हैं, डी मैरिट्स, क्योंकि
क्योंकि मेरिट्स में तो हमने सारे मतलब उसके फीचर्स ही बता दिए कि डेमोक्रेसी इतनी अच्छी है, ये है वो है मैम, लेकिन हर एक डेमोक्रेसी। वेरी गुड कि डीमेरिट्स बताओ आपको इनडायरेक्टली क्या है। डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी सक्सेसफुल, नॉट वर्ड है तो उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। रियल में आज कहते तो है कि डेमोक्रेसी करती है, लेकिन रियल सेंस में जब प्रैक्टिकल बात आती है तो ऐसा नहीं होता। अभी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं। तो अब हमने वो सारे पॉइंट्स बताने हैं जिन पॉइंट्स को पढ़ के हमें ये पता लगेगा कि यस डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अभी भी इनइक्वालिटीज देखी जा सकती हैं, यानी कि डेमोक्रेसी अभी तक 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज कैन बी सीन, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हमने ऐसी जो स्टेटमेंट्स आएंगी जिसमें हमें नेगेटिव बताना है, तो कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखो कि जिसमें हमने इन पॉइंट्स को नेगेटिव बताना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, इट मीन्स डेमोक्रेसी जो है अभी भी इनइक्वालिटी, यानी कि इकोनॉमिक टर्म में इनइक्वालिटी है, इक्वल इनइक्वालिटीज हैं। कैसे? जितने भी हमने पॉइंट्स बताने हैं वो सारे वो पॉइंट्स बताने हैं जो कहीं ना कहीं डीमेरिट्स हैं। और जो इकोनॉमिक वर्ड जब आता है, इनइक्वालिटी आता है, तो हमने उसमें गैप दिखाना है या लॉस दिखाना है या प्रॉब्लम दिखानी है या रियल जो प्रैक्टिकल है हमारी कंट्री में हम जो देख सकते हैं वो हमने दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी कंट्री की इकोनॉमिक, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ही आ जाएंगी इसमें, ठीक है। लाइक पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, डू यू थिंक कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है वो पुअर पीपल और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको प्रॉपरली गवर्नमेंट जो है वो रिकॉग्निशन या इम्पोर्टेंस देती है? आई थिंक स्टिल इन आवर कंट्री और इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल दे आर पुअर, दे आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। नो डाउट गवर्नमेंट इज गिविंग, गवर्नमेंट इज हेल्पिंग, बट स्टिल मैनी पीपल दे आर लिविंग इन स्लम्स एरियाज, बेगर्स यू कैन सी, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री में अभी भी इतने लोग पुअर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, दे आर नॉट गेटिंग वर्क। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो इसमें हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में और उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस, पॉवर्टी मतलब इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसका, वो अभी भी क्या है, स्टेटस इकोनॉमिक स्टेटस लो है। पीपल आर अनएम्प्लॉयड, दे आर पुअर एंड दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड, दे आर डाइंग ऑफ स्टारवेशन, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटीज अगर देखा जाए तो उनके पास प्रॉपर नहीं। तो ये है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इसमें हमने बताना है यस वी कैन से दैट डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, स्टिल मैनी पीपल दे आर पुअर, दे आर इकोनॉमिक स्टेटस इज लो, दे आर अनएम्प्लॉयड, दे आर नॉट गेटिंग वर्क। सो दिस मेक्स दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अभी भी प्रॉपर 100% जो है वो यू कैन से डेवलप कंट्री को डेवलप नहीं कर पाई। अभी भी जैसे इंडिया जैसी कंट्री जो है वो डेवलप नहीं है, ठीक है। दीज कंट्रीज आर डिवेलपिंग, हमारी कंट्री डिवेलपिंग में आती है। रीजन यही है कि अभी भी हमारी कंट्री में पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट लार्ज स्केल पे, ठीक है। देन फिर हमने बता देना है सेकंड बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, मैनी पीपल दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। एंड अल्ट्रा रिच गैबर्सिस, मतलब एक तरफ है बिलो पॉवर्टी लाइन और एक तरफ है अल्ट्रा रिच गैप, अनइक्वल गैप है ये। मतलब एक तरफ देखा जाए बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल दे आर लिविंग, फूड क्लोथिंग शेल्टर दे आर नॉट गेटिंग, और एक तरफ है अल्ट्रा रिच। अल्ट्रा रिच मतलब जो बहुत ज्यादा रिच है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाटाज, बिरलाज, अंबानी, जिनके पास मतलब नंबर ऑफ एम्पायर्स हैं। तो ये एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्रीज में गैप देखा गया जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ टाइम इज ओवर, रेस्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट पीरियड, ओके।